मुखिया और पंचायत समिति मिलकर अपनी पंचायत का कैसे विकास कर रहा है, और उसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि इनके छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, एक बेटा है जो लगभग 1.5 साल का है और दो बेटी है। कितना प्रिय लड़का था, दोबारा पंचायत समिति सदस्य बने, हर घर के लिए वो आदरणीय था, पूजनीय था। कि शाम के समय में ये बिल्कुल फिट थे और अचानक उल्टी हुआ और उनका देहांत हो गया। पूरे प्रखंड वासियों को इतना ज्यादा दुख पहुंचा है। हमने एक पंचायत समिति का परिवार खोया है, इस बात से निशब्द है, सब बता नहीं सकते। अब देख रहे हैं कि हजारों का भीड़ है, यानी कि अच्छे लोगों के पृथ्वी पर रहना न रहना ये मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इससे साबित होता है कि सकरा में एक बहुत बड़ा हम लोग का पुण्य क्षति हुई है। बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल स्वस्थ स्वस्थ थे, और जो भी समस्या आता था हमसे शेयर करते थे, कहते थे कि भैया आप थोड़ा पुराने लोग हैं, उसको देखिए, मदद कीजिए। कि भीड़ के अनुसार आपको लग रहा होगा कि इनके कितने करीबी और कितने चाहने वाले लोग हैं। बच्चे को जहां तक होगा हम लोग जो सरकारी लाभ होता है उसको दिलाने का सफल प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के बाजी बुजुर्ग पंचायत के गाँव में आए हुए हैं। यहाँ के वर्तमान समिति संतोष जी का अचानक मौत हो गया है, हालांकि मौत का कारण क्या है आइए यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो पहुंचे हुए हैं उनसे जानेंगे। सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि इनके छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, एक बेटा है जो लगभग 1.5 साल का है और दो बेटी है। परिवार में इतना ज्यादा मातम का माहौल बना हुआ है कि लगातार ये ठीक ही चल रहे थे, और कल की रात जो इनका मौत हुआ उससे समझिए 2 घंटा पूर्व यानी कि शाम के समय में ये बिल्कुल फिट थे। कोई बीमारी की आशंका भी नहीं बताई जा रही है। अब क्या दिक्कत हुआ, किस लिए मौत हुआ, आइए यहाँ के स्थानीय मुखिया जी हैं उनसे विशेष समझते हैं कि आखिर दिक्कत हुआ तो हुआ उनको कैसे। अचानक मौत हो जाने के कारण पूरे प्रखंड वासियों को इतना ज्यादा दुख पहुंचा है कि इतना होनहार मतलब समझिए जनप्रतिनिधि जो प्रत्येक घर में जा जा कर समस्या इकट्ठा करते थे और उस स्तरीय जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों से मिलकर समस्या का निपटारा करने के लिए अथक प्रयास में दिन भर जुटे हुए रहते थे। आइए पहले उनका मौत का कारण क्या है उन्हीं से समझ लेते हैं। कैसे मुखिया जी अचानक मौत हो गया, पूरे प्रखंड वासियों से जब मैसेज मिलता है तो बहुत ही दुख की विषय बन चुकी है। अचानक उनका तबीयत खराब हुआ, हम लोग आए आए और कुछ बात हुई उनसे और अचानक उल्टी हुआ और उनका देहांत हो गया। हम लोग स्तब्ध रह गए, ये हमारे समाज के छोटे भाई जैसे थे, हमारे समाज के लिए बहुत अपूर्ण ये क्षति है कि समाज के लिए दिन रात वो काम करते थे, सुख सबके सुख दुख में शामिल रहते थे, कोई काम हो मिलजुल के काम करते, पंचायत के विकास के लिए भी तत्पर रहते थे। पूरे सकरा प्रखंड में एक मिसाल था, एक मुखिया और पंचायत समिति मिलकर अपनी पंचायत का कैसे विकास कर रहा है, और उसके लिए वो उदाहरण तो क्या कहें, हमारे लिए तो बहुत क्षति और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति, उससे आगे कुछ करने के नहीं है। अचानक मौत हुआ उससे पहले कुछ बीमारी वगैरह ये सब की आशंका, बिल्कुल परिवार भी उस प्रकार का, बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल स्वस्थ स्वस्थ थे, अपने परिवार के प्रति उतना ही जिम्मेदार थे, सबको सभी भाई को सबको साथ लेके बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई सबके लिए तत्पर रहते थे। पिताजी उनके वृद्ध है, पिताजी के ऑपरेशन के लिए, आंख के ऑपरेशन के लिए भी बात करके आए थे, मंगल को उनका ऑपरेशन है। कितने बच्चे हैं इनके? दो दो लड़की और एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल 1.5 साल का बच्चा है। मुखिया जी भावुक हो गए, इनसे कम ही बात करेंगे उसके बाद। आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे का पिता का साया इतना कम उम्र में हट जाना कितना दुखद होगा। जिला पार्षद महोदय उनसे बात करेंगे, क्या सूचना मिला आपको? जैसे आज सुबह 5:15 बजे हमारे सिरादाबाद के पूर्व मुखिया सुबोध जी द्वारा सूचना मिली कि संतोष जी का देहांत हो गया, हम तो स्तंभ रह गए। इतना प्रिय लड़का था, दोबारा पंचायत समिति सदस्य बने, हर घर के लिए वो आदरणीय था, पूजनीय था, हर सुख दुख में छोटा भी घटना अगर क्षेत्र में होता था तो हमको फोन करते थे कि चाचा ये घटना हो गया, जरा इसको देख लीजिए। तो आज उस परिवार के साथ साथ पूरे हमारे सकरा का जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे जो पब्लिक है, वो सबसे जुड़े रहते थे। आज पूरे क्षेत्र मर्माहत है, हम यही भगवान से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख के विकट घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। हम लोग तमाम लोग मर्माहत है, आज जो भी लोग सुने हैं मोबाइल के माध्यम से, चाहे जैसे एक दूसरे के सूचना मिला है, जो जिस अवस्था में था इतना प्रिय थे कि सब भागे भागे आ गए हैं। अब देख रहे हैं कि हजारों का भीड़ है और हम तो यही लोगों, बहुत ही दुख की बात है, मतलब इतना अच्छा जनप्रतिनिधि को चल जाना। आप सभी जनप्रतिनिधि के बीच में क्या मतलब व्यक्त हो रहा है? व्यक्त हो रहा, हम लोग तो मर्माहत है, हम लोग तो माने एकदम अस्वस्थ अस्वस्थ अथी है, स्तंभ है कि भाई ये हो कैसे गया। एकाएक उल्टी हुआ रात के 10:30 बजे, शायद डेथ किए हैं, हमको तो सूचना मिला, हम लोग सीधे मुजफ्फरपुर से भागे भागे चले हैं।
पंचायत समिति सदस्य आपके करीबी थे, कैसे मौत हो गया और क्या व्यक्त कर रहे हैं? हम तो दो बार से पंचायत समिति के सदस्य उनके साथ करीबी थे। हमने एक पंचायत समिति का परिवार खोया है, इस बात से निशब्द है, सब बता नहीं सकते हैं। कोई बीमारी नहीं थी, हम इतना हंसमुख थे, हम लोग तो हमेशा उनके साथ रहते थे। तो आज सुबह सुनते ही निशब्द हो गए, मतलब कुछ दिमागे काम नहीं कर रहा था जो हुआ कैसे। आने के बाद पता चला जो कल उल्टी हुआ और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। क्या कहना चाहिए? आज हमारे संतोष जी छोटे भाई हम लोग के बीच इस दुनिया में नहीं है, इससे साबित होता है कि सकरा में एक बहुत बड़ा हम लोग का पुण्य क्षति हुई है, इसकी भरपाई भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग बहुत दुख की घड़ी में अफसोस में हैं। इनकी छोटे छोटे जो दो बेटियां और 1.5 साल का एक बेटा है, पिताजी वृद्ध हैं, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि बाजी पंचायत ही नहीं, हम लोग के पूरे सकरा प्रखंड के किसी भी प्रकार की कोई समस्या होते थे तो एकदम हलपल कहते थे और सूचना सब जगह तलब होती थी। जिस तरह से हम लोग की जानकारी मिला, हमने सबसे पहले सुरेश बाबू को फ़ोन किया कि इस तरह की घटना संतोष जी के साथ हो गया, क्या सच्चाई है पता कीजिए। उसके बाद तो हम किसी लोग से बातें नहीं की और दौड़े दौड़े भागे आपके बीच शमशान घाट में पहुंचे हुए हैं। इससे विशेष मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप लोग अपने पंचायत समिति के खो दिए हैं, क्या दुख व्यक्त करते हैं? देखिए, संतोष जी बहुत हंसमुख और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, और जो भी समस्या आता था हमसे शेयर करते थे, कहते थे कि भैया आप थोड़ा पुराने लोग हैं, उसको देखिए मदद कीजिए। और यह जानकारी मिली मृत्यु हो गई है, और इससे हम लोग काफ़ी मर्माहत महसूस करते हैं कि एक सच्चे एक अच्छे व्यक्ति को हम लोगों ने खो दिया है, जनप्रतिनिधि खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और पीड़ित परिवार को साहस दे कि इस दुख के घड़ी में उससे निपटे, और उनके बच्चे को जहाँ तक होगा हम लोग जो सरकारी लाभ होता है उसको दिलाने का सफल प्रयास करेंगे। अभी हम पहुंचे हुए हैं जहाँ पे कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार, वही दाह संस्कार स्थल पर पहुंचे हुए हैं। घर से पार्थिव शरीर को दाह संस्कार स्थल पर लाया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि अचानक छोटा सा उल्टी होना और उल्टी होने के बाद फीवर टाइप का हो जाना, तो स्थानीय लोगों के माध्यम से उनको हॉस्पिटल तक ले जाना और रास्ते में ही उनको अचानक मौत हो जाना, यानी कि समझिए एक भगवानी रूपी तो समझिए एक खेल था। यानी कि अच्छे लोगों के पृथ्वी पर रहना न रहना, ये मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि अचानक किसी का मौत हो जाना। हालांकि यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि से ये पता चलता है कि पहले से कुछ ऐसा बीमारी ही नहीं था, वो तो इतना फिट आदमी थे कि लगातार सुबह शाम दोपहर लोगों की समस्या के कारण ही लगे रहते थे। और हम आपको बता दें कि भीड़ के अनुसार आपको लग रहा होगा कि इनके कितने करीबी और कितने चाहने वाले लोग हैं। लगभग हजारों के हजार की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ बाजी बुजुर्ग पंचायत में ही नहीं बल्कि पूरे सकरा प्रखंड वासियों को ये दुख सता रहा है कि संतोष जी हमारे बीच नहीं रहे। लोग आम जनता ये विश्वास कर रहे हैं कि जो समस्या हमारे पास अटकी हुई है वो समस्या अब संतोष जी तो नहीं रहे, अब दूसरा कोई जनप्रतिनिधि को कहना होगा। इस प्रकार की बातें उठकर सामने आ रही है। हम भी कहना चाहते हैं कि जो भी इनके मुआवजा के पैसे होते हैं, मुआवजा का लाभ होता है, जो भी जनप्रतिनिधि के पास ये वीडियो जाता है, उन लोग आप अपने स्तर से कोशिश कीजिए से जल्द मिले। उसके बाद जो भी इनका इंश्योरेंस वगैरह है, वो पदाधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आप भी जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों से मिले और मिलकर इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल का बेटा है और 2 छोटे छोटे और बच्ची हैं। अब बताइए कि उन परिवारों पर अभी क्या बीतता होगा। इनके पिताजी अभी यही धरती पर मौजूद है, वृद्ध अत्यधिक है, लेकिन पिता के सामने एक बेटा का अर्थी उठ गया, यानी समझिए कि साफ शब्दों में कितना बड़ा क्षति का माहौल अभी बना हुआ है। मातम का माहौल है, दाह संस्कार पर पहुंचे हुए हैं। विशेष बात फिर कभी हम आपको जिस प्रकार हमको अपडेट मिलता है बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।